मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में भी शनिवार रात से तेज बारिश देखी जा रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात के चलते डैमों में पानी भर ओवरफ्लो हो रहा है, इस कारण उनके गेट खोल दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में बारिश होगी। राज्य के कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिसके कारण आगामी दिनों में वर्षा देखी जाएगी। मैं प्रमेन कुमार, मौसम वैज्ञानिक। अभी जो मध्य प्रदेश में मौसम की गतिविधियां देखेंगे तो अभी जो सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं वो एक डिप्रेशन है जो ओवर नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है। एक जो साइक्लिक सर्कुलेशन के साथ है और एक मानसून ट्रफ है जो जैसलमेर सेंट्रल ऑफ डिप्रेशन ओवर नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश सीधी दीघा से जा रहा है बे ऑफ बंगाल तक, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी फॉर्म हुआ है। इसके कारण जो है कि आज जो वर्षा जहाँ जहाँ जैसा होना है वैसा बताते हैं कि अभी जो है कि झाबुआ, रतलाम, धार, बड़वानी, अलीराजपुर में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट दिया गया है, और इसके साथ ही वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो देवास, इंदौर, खरगोन, मंदसौर, सीहोर, उज्जैन जिलों में दिया गया है, और भारी वर्षा जो है छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, नरसिंह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, आगर, अशोकनगर, बैतूल, भोपाल, गुना, हरदा, खंडवा, नीमच, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी तथा विदिशा जिलों में होने की आज संभावना व्यक्त की जा रही। आगे थोड़ा सिस्टम वीक होने से गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ये फिर से एक्टिव होने के चांस बन रहे हैं।